दोस्तों आईपीएल साल 2022 का सीजन काफी सही रहा कुछ टीमों के लिए, वहीं कुछ टीमें यहां पर दोस्तों अपने प्लेयर्स नई लीग के अंदर भी उतारने वाली हैं। इसके अलावा कई टीमें ऐसी भी है जिनका साल 2023 के अंदर मैनेजमेंट पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आएगा। तो जो भी टीम्स होती है सारी अपडेट्स हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर सबसे पहले देते हैं, तो सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, फॉलो करना। बात करेंगे केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में, और टीम केकेआर के दिन भर में काफी सारी अपडेट्स निकल कर आ रही है। और आप तो जानते ही हो, आपको हमारे चैनल पर सबसे ज्यादा सबसे टॉप खबरें सबसे एक्यूरेट खबरें मिलेगी टीम केकेआर से रिलेटेड। तो दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत यहां पर इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों 50 के सब्सक्राइबर्स का गोल भी बहुत जल्दी हमारा पूरा होने वाला है, तो उसको और जल्दी से आप अचीव करवा दो। खैर इस वीडियो को दोस्तों बहुत मजेदार है तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, और आप सभी लोग देखना वीडियो बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2023 के सीजन को लेकर अब थोड़ी सी सीरियस नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ हेड कोच जा चुके, तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट तो बदलने वाली ही है। तो आप कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको लगता है मैनेजमेंट बदलने से टीम केकेआर की किस्मत बदलेगी और वो तीसरी बार चैंपियन बन पाएगी आईपीएल के अंदर। तो अब अपडेट्स की बात करते हैं, पहली अपडेट आ रही है लोकल प्लेयर्स को लेकर। तो दोस्तों जब से ये मामला बाहर निकल कर आया है आईपीएल साल 2022 की एंडिंग के बाद, सीएबी यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने कहा है कि यहाँ पर टीम केकेआर को लोकल प्लेयर्स को लेना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स भी बाहर निकल कर आ रही है, और रिसेंटली एक लोकल प्लेयर जिनका नाम है यहाँ पर रिद्धिमान साहा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। दरअसल दोस्तों इससे पहले आप सभी को बता दें कि टीम केकेआर यानी कोलकाता की अगर बात करें तो ना सिर्फ आईपीएल में टीम इंडिया को भी बड़े बड़े प्लेयर दिए हैं बंगाल ने, तो दोस्तों जिसके अंदर मोहम्मद शामी आते हैं, रिद्धिमान साहा आते हैं, ऐसे काफी सारे नाम आप अगर निकालोगे तो निकल जाएंगे। बात ये नहीं है, रिद्धिमान साहा ने कहा है कि लोकल प्लेयर्स को टीम केकेआर को मौका देना चाहिए, जबकि वो लोकल टीम है उनको यहाँ पर, मेन बात उन्होंने साफ बताई कि यहाँ पर जो बंगाल के प्लेयर्स हैं उनको बंगाल के प्लेयर्स के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, और यहाँ ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा अपने लोकल प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ लोकल प्लेयर्स ने पास्ट में भी अच्छा करके दिया है तो वो फ्यूचर में भी अच्छा कर पाएंगे। बट हाँ, थोड़ा बहुत आपको ट्रस्ट रखना होगा, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी प्लेयर्स आगे आके बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताओ क्या टीम केकेआर को लोकल जो बंगाल है वहाँ के प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। अगली अपडेट आ रही है रिलीज प्लेयर को लेकर। तो दोस्तों एक कन्फर्म लीक बिल्कुल निकल कर आ चुकी है, रिसेंटली केकेआर ने एक पोस्ट भी किया था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि एक बड़ा नाम टीम केकेआर से जाने वाला है, जिनका जो इस सीजन का रणजी यानी हम जिसको लोकल सीजन कह सकते हैं डोमेस्टिक सीजन काफ़ी प्यारा काफ़ी अच्छा रहा था। दोस्तों आप सभी को बता दें यहाँ पर टीम केकेआर में इसी सीजन आए थे अमन खान, और अब अमन खान यहाँ से टीम से बाहर जाने वाले हैं। हालांकि ये बात भी आप सभी को बता दें कि जो अमन खान है वो श्रेयस अय्यर के बेस्ट फ्रेंड माने जाते हैं, बट देखते हैं दोस्तों इनकी दोस्ती रिंकू सिंह और नीतीश राणा जैसी चलती है, क्या टीम केकेआर रिटेन करती है। पर दोस्तों रिलीज करने की खबरें कन्फर्म हो चुकी है, इसलिए हम आपको कन्फर्म न्यूज़ ये बता रहे हैं। लास्ट अपडेट आ रही है हेड कोच को लेकर। दोस्तों यहाँ हेड कोच के ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि यहाँ पर जैक कालिस और वीरेंद्र सहवाग किन रीजन्स की वजह से यहाँ पर टीम केकेआर को ज्वाइन करेंगे तो क्या रीज़न होंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या रीज़न होंगे। और अब दोस्तों एक बहुत ही बड़ा नाम निकल कर आ रहा है, और ये नाम फॉर श्योर आप सभी के लिए शॉकिंग होने वाला है, और इसी शॉकिंग नाम के अंदर हम बताने वाले हैं आप सभी क्रिकेट फैंस को एक स्पेशल एक डेडिकेटेड वीडियो में कि ये प्लेयर कौन होने वाला है। बट दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले हम ज़रूर ये सुनना चाहेंगे कि आपका गैस क्या है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। आपके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई दो नाम बताने होंगे टीम केकेआर के लिए हेड कोच और बैटिंग कोच के लिए, तो कौन कौन से होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।